ये देखिए कितनी अच्छी धूप लगी यहाँ पे। हेलो और देखिए इसके लेटने का तरीका देखिए ये। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष जोशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशीष जोशी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो रही है आंगनबाड़ी जाने की। थोड़ी देर पहले आंगनबाड़ी वाली मैम का फ़ोन आया था कि आपका जो राशन है वो आ चुका है और राशन के नाम पे कुछ ज़्यादा खास नहीं पर खाली खजूर ही खजूर आ रहे हैं। और जब से मतलब मैं वहाँ से राशन लेके आ रहा हूँ तो खाली खजूर ही खजूर आ रहे हैं, हर बार खजूर आ रहे हैं। जब से सरता आर्य जी ने ये मातृ और परिवार कल्याण वाला पद संभाला है तो तब से कुछ खास राशन आ नहीं रही है। पहले मेरे को बहुत याद है कि काफ़ी चीज़ें आती थी, चने मिलते थे और सत्तू मिलता था और काफ़ी चीज़ें मिलती थी पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल हो गया है खाली खजूर ही खजूर। 2 पैकेट खजूर दे दे रहे हैं और उतने में ही वो निपटारा कर दे रहे हैं। तो राशन का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे उत्तराखंड। तो चलिए चलते हैं, कुछ ना से कुछ ही सही और कुछ ना से खजूर ही सही। आंगनबाड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नियर अबाउट है। पैदल चलूंगा तो 3 से 4 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। बाकी पिछले कुछ दिनों से मैं शादियों में व्यस्त था और बहुत सारे निजी काम थे तो वीडियोस में प्रॉपर पर डे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ और वीडियो आएंगे प्रॉपर पर डे। और आपसे माफ़ी चाहूँगा जो बीच में डिसकंटिन्यू करा मैंने वीडियोस को। कभी कभी होता है व्यस्तता बहुत ज़्यादा आ जाती है और उस व्यस्तता के कारण मतलब मैं ऐसा उलझ सा ही आया था कि मतलब कभी कभी होता है ना कि दिमाग में बातें नहीं आती हैं कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, तो वही वाली स्थिति मेरे साथ हो गई थी। फिलहाल के लिए मैं आंगनबाड़ी जाता हूँ, फिर आपको भी दिखाऊंगा मैं कि वहाँ से मैं क्या लाया और क्या वहाँ पर मिल रहा है। अभी अभी मैं आंगनबाड़ी से आ चुका हूँ और आंगनबाड़ी की मैम ने मेरे को पकड़ा दिए 8 खजूर के पैकेट। मतलब मैं आप देख सकते हैं ये तो ये लगभग 8 खजूर के पैकेट हैं और अलग अलग कलर में है, कोई येलो कलर में है, कोई पिंक में है, कोई ब्लू में है। तो मैंने मैम से कहा कि अब गर्मियों का टाइम आ रहा है और आप खजूर दे रहे हैं तो गर्मियों के टाइम में तो वैसे भी खजूर बहुत कम लोग खाते हैं और ज़्यादातर क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा करते हैं खजूर। तो मैंने कहा इसके बदले कुछ रिप्लेसमेंट में आप कुछ और मंगाइए, लेकिन जब से सरिता आर्य आई है तब से मतलब ये मातृ और परिवार कल्याण वाला तो ठप ही हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ, जैसे पहले दलिया मिलता था, दूध के बिस्किट मिलते थे, चने मिलते थे और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। तो ये खजूर मेरे को लगता नहीं है कि गर्मियों में कुछ बेनिफिशियल है हमारे लिए या किसी के लिए भी जितने लोगों को ये खजूर मिल रहे हैं। तो होप कि अगली बार कुछ आए तो कुछ ऐसी चीज़ आए जो कि पूरे परिवार के काम आ सके, खासकर जो छोटा बच्चा है उसके काम आ सके और उसकी माँ के काम आ सके। आरव का भी स्कूल से घर आने का टाइम हो चुका है और उसका आज आखिरी पेपर है। होप उसके पेपर अच्छे गए हों और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो जाएगा क्लास 1 में। तो आज आरव की UKG की क्लास का लास्ट पेपर है और थोड़ी देर में बस भी आने वाली होगी, 5-10 मिनट में बस आ जाएगी। तो उससे पूछते हैं कि उसके पेपर कैसे गए। तो अभी तक तो उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं और आज जो 11 तारीख को पेपर था वो आज पोस्टपोन्ड हुआ था, इंग्लिश का रिटर्न का पेपर। थोड़ा जल्दी करवा दिए हैं आरव के स्कूल में क्योंकि आरव के स्कूल में सेंटर पड़ा है हाई स्कूल और इंटर के पेपरों का। और कक्षा 1 की जो क्लासें हैं वो चलेंगी इनकी 1 अप्रैल से, तो अभी पूरा 1 महीना है रिवीजन के लिए और क्लास 1 की तैयारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। ये देखिए कितनी अच्छी धूप लगी है यहाँ पे और जो ठंड का नामो निशान है वो तो एकदम गायब ही हो गया है और हम भी देखिए सब टी-शर्ट में आ गए हैं। तो स्वेटर पहनना लगभग लगभग बंद हो चुका है, बाइक में इधर उधर जाता हूँ तभी स्वेटर पहनता हूँ वरना स्वेटर पहनना एकदम बंद ही हो गया है। अब फरवरी में ही इतनी तेज़ धूप लग रही है तो मार्च अप्रैल मई जून मतलब जब गर्मियों के असली दिन आएंगे तब पता नहीं इस साल तो क्या होने वाला है। और मुझे लग रहा है इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है क्योंकि पिछले 4-5 महीने से कुछ खास बारिश भी नहीं हुई है और पहाड़ों में जो बर्फ़बारी है वो भी इस बार बहुत कम हुई है। अपने गांव में लगभग लगभग हर साल बर्फ़ पड़ती थी और इस साल अपने गांव में भी बर्फ़ नहीं पड़ी है। मेरे को तो अभी से चिंता होने लग गई है यार कि इस बार गर्मी बहुत फाड़ पड़ेगी और गर्मी से बचने के उपाय करेंगे हम, लेकिन फिर भी बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, हम घर के अंदर ही गर्मी से बचने के उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरव भी आ गया है स्कूल से और जानते हैं आरव से आरव का पेपर कैसा हुआ। आरव पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। तो देखो आते ही ये मोबाइल में व्यस्त हो गया, तो बहुत ही बैड हैबिट है इसकी कि आते ही ये मोबाइल में लग जाता है। और देखिए इसके लेटने का तरीका देखिए, ये पैर में पैर रख के और जैसे कि बहुत बड़ा बॉस होगा कहीं का। अभी तक इसने कपड़े चेंज भी नहीं करे और देखिए कितना ध्यानपूर्वक मोबाइल देखा जा रहा है। तो आपका लास्ट पेपर था ये है? कल भी जाना स्कूल, डाइनिंग और उधर कॉफी लेके। क्या लेके? डाइनिंग और रख कॉफी। डाइनिंग क्या होता है? डायरी। डायरी क्या होगा बेटे स्कूल में? रिवीजन? हाँ। अच्छा UKG के तो पेपर हो गए कंप्लीट। अब डांस करेंगे हम। डांस में। और उसमें
वाह बहुत अच्छा है कि अब डांस होगा तो और अच्छा है। और क्या होगा स्पोर्ट्स? बैट बॉल भी खिलाते हैं आपके स्कूल में? बैट बॉल कुछ और भी खिलाते हैं? बैडमिंटन, बैट बॉल, खो खो, कबड्डी कुछ हाँ, खो खो कबड्डी खेलते हैं। आते हैं तेरे को खेलना? है हाँ, मेरे दोस्त खेलते हैं खो तू नहीं खेलता? खेलता हूँ। तो बेटा साथ सब चीज़ें खेलनी है जो खिलाते हैं स्कूल में, ठीक है? और अच्छा लगता है सब चीज खेलना। है तो क्या खेलना अच्छा लगता है? मुझे कबड्डी 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 अच्छा लगता है, हाँ। मज़ा आता है उसमें? क्या बात है, कबड्डी प्लेयर। तो अभी मैंने कल इसको देखा शाम को साइकिल चलाते हुए, तो पैंडल मारना तो इसको पूरी तरीके से आ गया। साइकिल के पैंडल ये बहुत तेज मार रहा है और बहुत तेज स्पीड में साइकिल चला दे रहा है। और अब बारी है बैलेंस बनाने की, क्योंकि जो पीछे के दोनों टायर हैं सपोर्ट वाले, तो उनको कुछ दिनों बाद हटाना ही पड़ेगा, तभी तो साइकिल का बैलेंस बनेगा और आगे तभी सिखाना हटा है। दो, गिर जाएगा तू तब। और कल मैंने देखा कि वो सपोर्ट टायर होने के बाद भी साइकिल गिर रही थी, और इसके उतरने का जो तरीका था मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसके जो उतरने का तरीका था, मतलब खाली साइकिल गिर रही थी, ये खड़ा हो जा रहा था। तो अब हो गया है खाने का टाइम, और ये देखिए इसको आ रहा को। और ये है हमारा खाना, आज बनी है राजमा और चावल। तो आ रहा, आपको कैसा लगता है राजमा चावल? चावल अच्छा लगता है। तो हमारे साथ है रश्मि जी, जो कि आरव के लिए खाने को मिला रही है। और खड़े हो वहाँ पे, बैठो, बैठ के खाओ। अब हो गया है कंपनी जाने का टाइम, और मैं थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, और वो काम भी फिनिश हो गया है और कंपनी जाने का टाइम भी हो गया है। तो लगभग लगभग दोनों एक्यूरेट हुए हैं, मतलब काम का ख़त्म होना और काम पर जाने के लिए टाइम का हो जाना, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही हो गई हैं। ये क्या था, आपने डरा दिया सबको? है एक बार और डरा दूं? वो तो कोई डरा ही नहीं। अच्छा तो मेरी टी शर्ट क्यों खींच रहे हैं? वायरस करके